नई नवेली किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी सब्जी लाई हूँ जो आमतौर पर बच्चों को और बुजुर्गों को भी कम पसंद होती है, लौकी की सब्जी। वैसे तो देखा जाए तो लौकी किसी को पसंद नहीं होती है, बहुत कम लोगों को लौकी पसंद होती है, या लौकी वो लोग ज्यादा खाते हैं जो डाइट प्लान कर रहे होते हैं या जो मरीज होते हैं। लेकिन इस लौकी को ही हम इतनी टेस्टी और इतनी स्वादिष्ट बनाएंगे कि आपके घर में सभी लोग इसको खाना पसंद करेंगे। आज हम लौकी नजाकत, जैसा कि नाम है इसका लौकी नजाकत, लौकी को इतने प्यार से इतनी सॉफ्टली बनेगी और इतनी ही ये नाजुक होती है, शाही सब्जी है ये। आप इसको जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आपके अनुभव मेरे साथ शेयर जरूर करें कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए बनाते हैं लौकी नजाकत। आइए मैं आपको अपनी सामग्री से मिलवाती हूँ। ये मेरे पास लौकी है, लौकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये एक बड़ी लौकी थी जिसको मैंने छील के तीन टुकड़े कर लिए हैं। साथ में मेरे पास है प्याज, ये एक बड़े साइज का प्याज है जिसको रफली चॉप कर लिया है। साथ में दो मीडियम साइज की टमाटर, या आप एक बड़ी साइज का टमाटर भी ले सकते हैं, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ में एक इंच अदरक का टुकड़ा है। ये हमारे पास कुछ काजू के टुकड़े हैं, ये लगभग 8 से 10 काजू है जिनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है, आप साबुत भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास लगभग 1 से 1.5 टीस्पून नारियल पाउडर है। साथ में ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, ये है लाल मिर्ची पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून है। ये है जीरा, जिसको कच्चा जीरा है जिसको मैंने पाउडर कर लिया है, थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। ये है हल्दी 1/2 टीस्पून। ये है धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। इसके अंदर कुछ साबुत मसाले भी है, जिसमें है एक बड़ी दाल इलायची का टुकड़ा है, दो छोटी इलायची है हरी इलायची जिसको हम बोलते हैं, 3 से 4 काली मिर्ची है, 3 से 4 लौंग है, साथ में ही एक हमारे पास बे लीफ यानी कि तेज पत्ता है। साथ में मेरे पास ये है पनीर, लगभग 150 से 200 ग्राम पनीर है। इसमें एक आलू, ये आपकी इच्छा है तो आप आलू डालिए, ऑप्शनल है आलू, तो ये एक उबला हुआ आलू है। ये है मेरे पास सौंफ जो मैंने दरदरी पीस के रखी है। साथ में 5 से 7 काली मिर्ची है जिसको हल्का कूट लिया है। काली मिर्ची आप इसमें थोड़ी सी ज्यादा भी डाल सकते हैं, 8 से 10 काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है। साथ में 2 छोटी इलायची है, इनको भी हम पीस के डालेंगे। ये है 1 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया है। साथ में धनिया है जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये 1 कटोरी दही है, दही हमें ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं लेना है, दही मीठा लेना है। साथ में ये है आधी बाउल काजू, किशमिश, बादाम और अखरोट, इन सबको मैंने छोटे छोटा काट लिया है ताकि स्टफिंग करते समय आसानी से बनाई जाएंगे। साथ में हम इसको वेजिटेबल ऑयल में बना रहे हैं, इसमें हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले हम इसकी एक स्टफिंग बनाएंगे, उसके साथ इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार की जाएगी। चलिए बनाते हैं। इस लौकी को खोखला कर देते हैं, इसको पानी में हमने इसलिए डिप करके रखा था क्योंकि अगर इसको बाहर रखते हैं तो ये काली पड़ जाती है। ये देखिए, इसको बिल्कुल, ये जो आपका पिलर है छीलने वाला चाकू जिसको हम बोलते हैं, इसको इस तरह से गोल गोल घुमाएं, देखिए इस तरह से ये इसका गूदा निकालना। वैसे लौकी बहुत सॉफ्ट होती है तो इसको अंदर से निकालना बहुत ईजी रहता है। इस तरह से सारी लौकी के अंदर से सामान निकाल दे, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी। ध्यान रहे कि इसकी दीवारें टूटे नहीं। देखिए इस तरह से हमने लौकी को बिल्कुल होल कर दिया है, ये देखिए है ना। अब हम ये जो हमने इसका गूदा निकाला है, ये भी वेस्ट नहीं होगा। आप चाहे तो इसको दूध थोड़ा और चॉप करके अच्छे से हलवा बना सकते हैं इसका, आप चाहे तो इसमें बेसन मिला के इसकी पकौड़ी बना सकते हैं, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची डाल के आप इसको इसका चिल्लड़ा बना सकते हैं बेसन के साथ गोल के, तो इसका ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। के लिए चढ़ा दिया है, इसमें हम 1 पिंच हल्दी डाल देते हैं, इससे लौकी का एक अच्छा सुंदर सा कलर उभर के आएगा। इसी के अंदर हम नमक मिला देते हैं, 1/2 टीस्पून नमक मिलाया हमने। इस पानी को उबाल आने देते हैं, देखिए हमारे पानी में उबाल आने लगा है। अभी जो लौकी हमने रखी है इसको हम इसमें डाल देते हैं, इसको हम जब तक थोड़ा सा पकाएंगे कि ये 80% हमारी लौकी पक जाए, बिल्कुल 100% इसको नहीं पकाएंगे हम, नहीं तो इसकी खोल बिल्कुल ढीले हो जाएंगे, इसलिए तो हम इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। हमारी लौकी जब तक पक रही है तब तक आइए हम स्टफिंग बना लेते हैं। मैं इसमें आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अगर आलू इस्तेमाल नहीं करना चाहते आप यहाँ पे मावा भी डाल सकते हैं और आप बिना आलू के भी इसकी स्टफिंग बना सकते हैं।
इसी तरह से पनीर को भी इसमें क्रश कर लेते हैं। इसी में अब हम डाल देते हैं अदरक और हरी मिर्ची, काली मिर्ची और इलायची, सौंफ, ये जो हमने ड्राई फ्रूट क्रश करके रखे हैं छोटे छोटे, साथ में धनिया, देखिए ये हमारी लौकी अब हो चुकी है तो इसको हम निकाल लेते हैं अच्छे से, इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे या इसको आप खड़ा कर रहे हैं। भी रख सकते हैं इसको आप इस तरह से रखते ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। तैयार है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये मसाला तैयार है, अब इसको हम लौकी के अंदर इस तरह से भर देंगे। ये ध्यान रखें कि मसाला को अच्छे से दबा दबा के भरना है, इसमें ढीला ढीला मसाला नहीं भरेंगे क्योंकि अब हम इसको जब फ्राई करेंगे तो ये मसाला, देखिए ये हमारी लौकी बिल्कुल भर के तैयार है। अब हम इसको, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। हमने तेल गरम चढ़ाया है ताकि हम इसको शैलो फ्राई कर सके। हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसको इस तरह से हम मीडियम आंच पे, मीडियम से लो आंच पे करेंगे ताकि हमारी लौकी अच्छे से करारी भी हो जाए और इसमें एकदम से कलर ना आए, सुंदर कलर आएगा इसको धीरे धीरे करेंगे तो। इस तरह से चारों तरफ से पलट पलट के इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इस तरह से हमने, ये देखिए ये हमारे रेडी है। लौकी के पीसेस थे जो ठंडे हो चुके हैं, इनको अच्छे से काटेंगे। इसको काटने के लिए आपकी चाकू की धार अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल, और इसको आहिस्ता से काटेंगे, थोड़ा सा मोटा स्लाइस काटें। ये जो हमारे लौकी हमने भरने के बाद जो बनाई है, इसमें आपकी दो चीजें बन रही है। इसके लिए हमने जो ग्रेवी बनाई है, आप जब ग्रेवी में उतारेंगे तो ये सब्जी बन जाएगी, और उसके अलावा अगर आप इसको ग्रेवी में नहीं उतारना चाहते तो इसकी रिंग्स को आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। एक तरह से ये आपकी फलाहारी डिश भी हो जाती है। हमने तेल गरम चढ़ा दिया है, इसमें हमने बिल्कुल, हम लोग काजू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे लेकिन बिल्कुल मीडियम आंच पे, क्योंकि तेज आंच पे काजू फ्राई तो हो जाते हैं, कलर बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन वो काजू अंदर से पकता नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। देखिए बिल्कुल ये मीडियम पे है और अब काजू में एक अच्छी खुशबू आने लगी है। प्याज कटी हुई है, इसको डाल देते हैं हम, काजू में और अच्छा कलर आ जाएगा इसके साथ, प्याज के साथ। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देते हैं, देखिए प्याज हमारे गुलाबी हो गए हैं और धीरे धीरे भूरे हो गए हैं। इसमें हम लोगों ने अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं, जो हमने अदरक लिया था 1 इंच, साथ में ये जो हमने टमाटर काट के रखे हैं ये डाल देते हैं। टमाटर के साथ हमने, हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और इसका स्वाद निखर के आ जाए। टमाटर की गलने तक इसको पकाते हैं। हमारे टमाटर यहाँ पे गल गए हैं लगभग लगभग, इसी समय हम ये जो नारियल का बुरादा हमने रखा है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून है ये, वो मिला लेते हैं। और यहाँ पे हम आधा, 1 बड़ा चम्मच दूध का मिला रहे हैं, आप यहाँ पे पानी भी मिला सकते हैं। चलाते हैं, देखिए ये हमारा बिल्कुल सारी चीजें गल गई है और तैयार हो गई है। इसके किनारे से ऑयल रिलीज हो रहा है, हमने बहुत ज्यादा ऑयल डाला नहीं जो आपको बिल्कुल लगता हुआ दिखे, लेकिन इसके किनारों से देखिए ये ऑयल निकल रहा है। इसको बंद कर देते हैं, इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लेते हैं, एक फाइन पेस्ट बनाते हैं। जिसमें मसाला बनाया था उसी बाउल में हम लोग दही का पेस्ट बना लेते हैं। ये जो हमने दही लिए एक कटोरा, इसी में हम मिला लेते हैं भुना, ये हमारा जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर,
हल्दी, और ये जो हमने ग्रेवी पीस ली है देखिए, हाँ। इस ग्रेवी को भी एक चम्मच इसमें मिला लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दो टेबल स्पून तेल गरम करने के लिए रखा है, उसमें हमने जो साबुत मसाले लिए थे ये डाल देते हैं, इनको हल्का सा भून लेते हैं। ये मसाले हमने चला लिए, अब ये जो दही का पेस्ट हमने बनाया है ये डाल देते हैं। इसको रेगुलर चलाएंगे क्योंकि दही को फटने का डर रहता है, वैसे ये फटेगी नहीं क्योंकि हमने इसमें एक चम्मच ग्रेवी भी मिलाई है जिसके अंदर काजू था, तो वो एक अच्छी बाइंडिंग देता है, लेकिन हम फिर भी इसको रेगुलर चलाते रहेंगे। देखिए दही हमारा पकने लग गया है, इसको दो तीन उबाल अच्छे से आ गए हैं। अभी ये जो हमारी पास ग्रेवी है, इस ग्रेवी को भी हम इसके अंदर मिला के इसको अच्छे से पकाते हैं। देखिए ये ग्रेवी हमारी, अब इसको पकानी है, इसको थोड़ी देर हम पकने देते हैं, इसको ढक देते हैं क्योंकि इसमें से छींटे उड़ने लगेंगे। इसको ढक के हम करीब 5-1 मिनट पकाएंगे, उस उत्ते में इसकी ऑयलिंग इसकी बाहर आ जाएगी वापस। वाह देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 पिंच चीनी, चीनी इसके स्वाद को बैलेंस करती है। इसे मिला देते हैं देखिए। अब आप इस ग्रेवी को अगर पतला करना चाहते हैं तो पतला कर सकते हैं, अगर पतला करना है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या गर्म पानी जो भी आप मिलाना चाहें मिला के उसको फिर से पका सकते हैं। वैसे ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, इसकी ग्रेवी थोड़ी अच्छी लगती है गाढ़ीपन लिए हुए। फाइनली अब हम इसको हरे धनिया के साथ खत्म करते हैं, अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। फाइनली रेडी हमारे इसके साथ में ग्रेवी सर्व करेंगे। लीजिए आपकी तैयार है लौकी नजाकत। ये नजाकत से भरी हुई क्योंकि इतनी सॉफ्ट होती है इसको कट करने में, लेकिन यकीन मानिए इतनी स्वादिष्ट होती है ये खाने में, आप बनाकर जरूर देखें।